नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अनबन की खबरें सामने आई थी। कुछ कोहली के कुछ फैसलों को लेकर रोहित शर्मा नाराज थे, जिसको लेकर ये खबरें थी कि रोहित शर्मा कोहली से नाराज हैं, उनके फैसलों को लेकर नाराज हैं। खबर मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को लेकर भी थी कि आखिर मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को कोहली मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में खबरें आईं कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को अपना इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। लेकिन अब अनुष्का शर्मा ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और रोहित शर्मा को एक जवाब दिया है। अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कुछ नहीं कहा, झूठे दिखावे की गड़बड़ी में केवल सच ही चुप्पी के साथ हाथ मिला सकता है। वैसे एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि टीम इंडिया विश्व कप के दौरान दो गुटों में बट गई थी। एक गुट रोहित शर्मा का था तो दूसरा विराट कोहली का। रोहित शर्मा के गुट के खिलाड़ियों को विराट कोहली और रवि शास्त्री के फैसले नागवार गुजर रहे थे, इसलिए कई बार ये खबरें आई थी कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के फैसले के लिए अपनी नाराजगी जताई थी। कई मौकों पर रोहित ने कोहली के फैसलों पर नाराजगी भी जताई थी। इससे दोनों के बीच अनबन बढ़ती चली गई। हालांकि शुक्रवार को बीसीसीआई के क्रिकेट प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने कोहली और शर्मा के बीच झगड़े की खबरों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ये केवल मीडिया ही इस तरह की खबरें फैला रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने कहा था कि मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच इस तरह की खबरें फैलाई जाएं। सीओए की मीटिंग के बाद इस बारे में जब पूछा गया तो राय ने कहा, इस तरह की सारी कहानियां आप लोगों ने यानी कि मीडिया ने तैयार की हैं। वैसे जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं बेशक ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एक टीम में खेल रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ दरार जरूर है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।